ये जो आपके इतनी अच्छी स्टोरीज हैं जो कि आपके इतनी सारी आप जानते हो इतने सारे अच्छे लोगों लोग ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मैं न्यूज में थी और मैं न्यूज से बहुत पकने लगी थी 2007 तक आते थे सिर्फ पांच साल में 2002 से मैंने न्यूज पढ़नी शुरू की थी और सात पांच साल में तो मेरा लगने लगा था कि क्या होगा मैं छोड़ के भाग जाऊंगी बट वेन जिंदगी लाइव हैपेंड इन माई लाइफ तो हमने अच्छी स्टोरीज़ सिर्फ अच्छी स्टोरीज़ नहीं अच्छे मुद्दे उठाने शुरू किए जब एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ काम किया हमने या ऐसी महिलाएं जिनके साथ डोमेस्टिक वायल्स हो रही थी फीमेल फीटीसाइड की एक माँ से कहा जा रहा है वॉट योर चाइल्ड क्योंकि तुम बेटी कैरी कर रही हो तो अच्छा ऐसी स्टोरीज की ना रॉबिन तो बहुत एक जिसको कहते मैं अपने आप को सोशल जर्नलिस्ट कहने लगी फिर जैसे वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंटरटेनमेंट तो मेरा इस तरह के मुद्दों के प्रति थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ी बहुतों के बारे में अभी वे नहीं जानती थी और मुझे लगता है मेरी सेंसिटिविटी बढ़ती चली गई और जब विक्टिम्स और सर्वाइवर्स आपके सेट पर आते हैं तो आपकी फिर आप सुनते हैं उनको तो बैठ के तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ती हैं तो मुझे लगा मेरी वो पूरी ट्रेनिंग जो हुई है वो जिंदगी लाइव जब मैंने छह साल की पर वो हुई और अब जिंदगी विथ रिचा में भी फिर मैं रेडियो शो भी चेक कर रही थी उसमें भी हम ऐसे लोगों को दिखाते हैं हर हफ्ते जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कहीं पर भी देश भर में और आप पता है क्या है इन लोगों से मिल मर बर... आज आपसे मिली और मुझे लगता है यार मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रही मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि आप जैसे लोगों की कहानियाँ दुनिया तक पहुँचा रही हूँ अपना घर चलाते हैं भरतपुर में कपिल वहाँ पर वो हर किसी को जो आता है ना वहाँ पे चाहे कोई बच्चा बैंडेड हो या बूढ़ा बैंडेड हो किसी की यादाश्त चली गई कोई पागल है घर वालों ने निकाल दिया सबको पालते हैं पता है सबको क्या बोलते हैं प्रभु जी वो इतना अमेजिंग भारद्वाज दंपति काम कर रहे हैं एक सिल्वेस्टर हैं दिल्ली में जो गरीब बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं एक प्रौद्योग है नोएडा में वो गरीब बच्चों को बास्केटबॉल फ्री में सिखाता है और खिलाने ले जाता है इंटरनेशनल तक खिला रहा है कोई कोई बच्चों को पढ़ा रहा है कोई खाना खिला रहा है मतलब इतना अमेजिंग काम हो रहा है ना देश भर में दुनिया भर में तो मुझे लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे हम तो बस एक मीडियम है कि ये कहानियाँ दूसरों तक पहुँचाएं ताकि शायद कोई और इंस्पायर्ड फील करे ऐसा ही कुछ अच्छा सा काम करने के लिए आई थिंक ये अच्छी कहानियाँ लोगों तक पहुँचेगी तो ये तो जो एक चिंगारी कह लो वो आग में तब्दील होगी और एक चीज़ और है ना क्योंकि अगर आपने न्यूज़ सुनी अगर आपने में में बुलेटिन पढ़ ली सुन ली सुन तो 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 आपको ऐसा लगेगा दुनिया सब सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है 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 आप ये कह रहे थे ना कि कि भाई जीवन ही खत्म कर दो तो मुझे लगता है ऐसी लोगों को बतानी जरूरी है कि भाई जिनके दम दम पर पर इंसानियत जिंदा जिसके हम, सब है, हम कर है ऐसे, लोग है, ऐसे रियल जैसे कोई अगर ये सुन रहा है हाँ। और वो कहे यार नहीं तो नॉर्मली जब हम लोग एक, तो एक बैंड चलेगा कि अगर आपको से करना या पीपल फार्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पे करें मैं जब मेरा बिग हीरोज रेडियो पर जाता था बिलीव नहीं करेंगे मेरा हर बिग कहता था कि शो आधा चलते चलते इतने फोन आ गए हेल्प ऑफर करने के लिए कोई कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रहा है मतलब और आप सोचो 2007 से मैं लगातार सिर्फ यही कर रही हूँ हर हफ्ते कितने हफ्ते हो गए 2007 से अभी तक आप उसी में डेटा निकाल लो तो <laughs> सब ये सब कुछ आपके YouTube चैनल पे लोगों को अब जिंदगी वित रिचा YouTube पे है आई बी एन जब आता था तब टीवी पर था उनकी कुछ स्टोरीज यूट्यूब पर हैं बिग हीरोज रेडियो पर चल के खत्म हो गया है मतलब सिर्फ रेडियो पर चलता है तो सब स्कैटर्ड है बट डालना पड़ेगा पर यही है कि भाई अगर मदद करनी है तो आप ढूंढ लोगे कि किसकी मदद करनी है किसके साथ जुड़ना है